नीतीश तेजस्वी की फ्लाइट में मुलाकात, क्या बनी बात? नीतीश ने चंद मिनटों में बढ़ा दी मोदी शाह की धड़कनें। क्या दिल्ली में होने वाला है बड़ा खेल? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। चुनाव हो गए, चुनाव के चौंकाने वाले नतीजे भी आ गए। एनडीए ने एक बार फिर बाजी मार ली है और इंडिया गठबंधन भी कांटे की टक्कर में नजर आया है। लेकिन असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि सत्ता की चाबी इस वक्त पीएम मोदी के हाथ में नहीं बल्कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के हाथ में है। इसकी वजह ये है कि बीजेपी अकेले बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, बाकी दलों के सहयोग से ही एनडीए ने सत्ता में काबिज होने का रास्ता बनाया है। यही रीजन है कि जैसे ही चुनावी नतीजे आए, पीएम मोदी और अमित शाह तुरंत एक्टिव हो गए। दोनों ने नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की और चंद्रबाबू नायडू से भी बातचीत की। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर है, सरकार बनाने को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों में ही बैठकों का दौर भी चल रहा है। नीतीश कुमार तुरंत दिल्ली आ गए हैं। जेडीयू और टीडीपी दिल्ली में बीजेपी को अपना समर्थन पत्र सौंपेंगी, जिसके बाद बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। मोदी सरकार की आज अंतिम कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक भी होनी है। इंडिया गठबंधन ने भी अपनी बड़ी बैठक बुलाई है। कल्पना सोरेन भी इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल होंगी। एकनाथ शिंदे से लेकर शरद पवार, सुप्रिया सूले तक सब दिल्ली पहुंच गए हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि नीतीश कुमार को लेकर ना सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह एक्टिव हैं, बल्कि इंडिया गठबंधन भी लगातार कोशिश में जुटा हुआ है कि नीतीश कुमार उनके पाले में आ जाएं। वैसे भी नीतीश कुमार की छवि पहले से ही पलटू राम की है, तो ऐसे में जिधर उन्हें फायदा दिखेगा उधर वो जा सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस फ्लाइट में नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं, उसी फ्लाइट में तेजस्वी यादव भी सवार थे। दोनों की सीटें भी आगे पीछे थी। इसी समय दोनों ने फ्लाइट में एंट्री ली। दोनों के बीच बातचीत हुई या नहीं, ये कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में हलचल देखने को मिल रही है, बहुत कुछ बड़ा होने की खबरों की ओर इशारा कर रही है। वहीं इंडिया गठबंधन भी दावा कर रहा है कि हम सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। खैर, कैसे ये कोशिश होगी और कैसे इस कोशिश पर मोदी शाह पानी फेर पाएंगे, ये बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। तो चलिए, तेजस्वी यादव ने दिल्ली में आने पर क्या कुछ बयान दिया, ये भी सुनवाते हैं। तो हम लोगों का जो प्रदर्शन रहा है बहुत ही बढ़िया रहा है, और आप जान रहे हैं बिहार से ही चुनाव उठा, और जिस हिसाब से हम लोगों ने चुनाव मुद्दों पर लड़ने का काम किया है वो आप सब लोग देख सकते हैं। तो अयोध्या में राम जी का आशीर्वाद तो इंडिया गठबंधन को हम लोगों को मिला, तो कहीं भी जो है आप देखिएगा, एक चीज तो साफ हो गया कि जो मोदी जी की बात करते थे कि मोदी फैक्टर वो खत्म हो गया। भाजपा जो है मेजॉरिटी से दूर चली गई है, जो सहयोगी हैं अब उन पर डिपेंडेंट है। और हम लोग तो खुशी है इस बात की कि भाई चलो, हम लोग जो संविधान लोकतंत्र रोकने बचाने का जो प्रयास था उसमें हम लोग जो है काफ़ी हद तक कामयाब हुए। अब हमारी यही उम्मीद है कि जो भी नई सरकार बने, खास तौर पे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए, और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण जो बढ़ाया है उसको शेड्यूल 9 में जो है वो किया जाए। आप चाहते हैं कि सरकार इंडिया बनाए, बनाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए? देखिए, हमारी सरकार प्रयासरत तो हम लोग रहेंगे उसमें देखिए, प्रयासरत लोगों को रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक खबर तो ये भी है कि इंडिया गठबंधन के नेता लगातार नीतीश को पाले में लाने के लिए लुभावने ऑफर दे रहे हैं। डिप्टी पीएम का ऑफर भी उन्हें दिया गया। अभी दिल्ली में दोनों दलों की बड़ी बैठक होनी है और इस बैठक का नतीजा क्या निकलता है, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है। तो चलिए, इसी के साथ नतीजों के आंकड़े भी बता देते हैं। एनडीए गठबंधन ने 292 सीटें हासिल की हैं, तो वही बीजेपी अकेले बहुमत 272 के आंकड़े को नहीं छू पाई है और उसे 240 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसे 234 सीटें मिली हैं। तो ऐसे में अब सरकार किसकी बनती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।